हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे सीरीज इन्वर्टर क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है और इसके वेव फॉर्म क्या होती है, किस प्रकार यह वर्क करता है और इसमें कौन सी सप्लाई वर्क करती है, ये एसी पे वर्क करता है या डीसी पे, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हमारे दो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, दो SCR लगे होते हैं जिन्हें हम थायरिस्टर बोलते हैं। ये T1 और T2, ये हमारे थायरिस्टर हैं। और ये लोड, ये क्या होता है, RL लोड लगा होता है। और ये जो है कैपेसिटेंस, ये सीरीज में लगा होता है, लोड के सीरीज में कैपेसिटेंस लगा होता है। ये जो है, ये दो SCR लगे होते हैं। ये जो ये है श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में लगा होता है SCR और ये SCR2। इसमें ये इसमें AC सप्लाई नहीं दी जाती है। इसमें हम कौन सी सप्लाई देंगे, DC सप्लाई देते हैं। इसमें वोल्टेज, मतलब पहली जो हमारी कंडीशन होती है उसमें हम सप्लाई देते हैं और हमारा फर्स्ट ये जो है थायरिस्टर T1 ऑपरेट हो जाता है। जब हम सप्लाई देंगे तो ये हमारा ऑपरेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसमें कैरियर हो जाता है और ये सप्लाई को स्टोर करता है। अब हमारा लोड आता है, लोड से होकर हमारी सप्लाई यहाँ तक आ जाती है। सेकंड साइकिल में क्या होता है, हमारे ये दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं, हमारा दोनों SCR में से कोई भी SCR ऑपरेट नहीं होता है, मतलब वोल्टेज जीरो हो जाता है। थर्ड साइकिल में क्या होगा, हमारा SCR T1, मतलब T1 थायरिस्टर T1 ऑफ होगा और थायरिस्टर T2 ऑपरेट होगा। मतलब इस पर क्या होगा, हमारी सप्लाई नहीं जाएगी, ये हमारा ऑपरेट नहीं होगा, ये वाला जो ये जो है ये सर्किट हमारा बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ऑपरेट होगा। ये वो भी किसकी सहायता से, कैपेसिटर की सहायता से, ये हमारा एनर्जी स्टोर कर लेता है, इसकी वजह से ये हमारा थायरिस्टर T2 ऑपरेट होता है। इसी प्रकार हम इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, हमारा T1 मतलब थायरिस्टर T1 ऑपरेट होगा ये हाफ टाइम के लिए, ये और ये नेगेटिव साइकिल। फिर पॉजिटिव साइकिल में भी यही होगा, इसमें कुछ गैप रह जाता है, थोड़ा टाइम का गैप रह जाता है, इसमें इतना दिखा रखा है, थोड़ा ही बहुत ही कम होता है ये गैप। ओके, अब क्या होता है, ये हमारा TA1 बहुत मिनिमम होता है टाइम, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। अब ये सेकंड साइकिल में क्या हुआ, हमारा जो सेकंड कंडीशन थी उसमें हमारा वोल्टेज जीरो हो गया, इसकी वजह से इसमें पूरी साइकिल नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या होता है, ना तो ये पूरी हो पाती है ना ही ये पूरी हो पाती है, इनमें से कोई सी भी साइकिल पूरी नहीं हो पाती इसकी वजह से, इसमें क्योंकि इसमें वोल्टेज जीरो होता है। अब आती है हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, हमारा SCR T1 मतलब थायरिस्टर T1 ऑफ होता है और थायरिस्टर T2 ऑपरेट होता है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये जो है पॉजिटिव साइकिल में वर्क करता है, ये यहाँ पर ये T2 वर्क कर रहा है और ये यहाँ पर हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, और ये थायरिस्टर T1 और T2 को हम एक साथ वर्क नहीं करा सकते, वरना हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा ये जो है परिपथ, मतलब जो सर्किट है ये खराब हो जाएगा। एक टाइम में, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में हम एक ही SCR को ऑपरेट करा सकते हैं। ओके, अब हम दोनों ये कराएंगे तो हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो चलिए हम अब इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। वर्किंग इसी प्रकार है जिस प्रकार ये मैंने तीनों कंडीशन बताई है, मैं उसमें तीनों कंडीशन बता दूंगी, फिर भी हम देख लेते हैं। मैंने अभी आपको सीरीज इन्वर्टर, इसे हम बोलते हैं सेल्फ कम्यूटेड सर्किट। तो ये सीरीज इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम फिगर में दिखाया गया, मैंने अभी आपको सर्किट डायग्राम दिखाया। इसमें क्या होता है, आर तथा LC कम्यूटेटेड, मतलब ये जो है जो आर तथा एल कम्यूटेड एलिमेंट यूज किए जाते हैं। ओके, इस सर्किट में लोड करंट कम्यूटेटिंग एलिमेंट के थ्रू कंटिन्यूसली फ्लो होती है, किसके, कैपेसिटर के थ्रू हमारी क्या होती है, फ्लो होती है। ओके, कम्यूटेटिंग एलिमेंट इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि इस थ्रू बहने वाली करंट RL को अनडैम्प्ड कंडीशन में रहती है। इस प्रकार हम इसमें फ्लो कराएंगे करंट जो जिससे कि ये अनडैम्प्ड कंडीशन में रहे। SCR T1 व T2 अल्टरनेटिंग, ये जो SCR T1 व T2 है अल्टरनेटिंग आवश्यक फ्रिक्वेंसी के अनुसार डिफरेंट टाइम में इन्वर्टर हो सके। ओके, आवश्यक फ्रिक्वेंसी के अनुसार डिफरेंट टाइम इन्वर्टर पर टर्न ऑन किए जा सके। ओके, इस सर्किट में SCR को एक साथ टर्न ऑन, इसमें क्या होता है, ये जो SCR है टर्न ऑन किए जाते हैं, इस सर्किट में SCR एक साथ टर्न ऑन
नहीं किया जा सकता। क्या होता है इसमें, एसीआर एक साथ टर्न ऑन नहीं किया जा सकता। मैंने बताया कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसकी वजह से हम दोनों को एक साथ ऑन नहीं करा सकते हैं। ओके, किया जाएगा और डैमेज हो सकती है। यह आवश्यक है कि एसीआर ऑन होने से पहले दूसरा एसीआर कंडीशन की आवश्यकता में अवस्था में ना हो। ओके, अब जो होता है हमारा एसीआर, ये दोनों एक और एक हमारा ऑपरेट है, तो दूसरा ऑपरेट की अवस्था में नहीं होना चाहिए। तो अब आती है बर्किंग। जैसे T1 टर्न ऑन किया जाता है, मतलब मान लीजिए थायरिस्टर T1 टर्न ऑन किया जाता है, तो इसमें कंडीशन के कारण सप्लाई वोल्टेज RL तथा C सीरीज सर्किट अप्लाई होते हैं। अब जो हमारा RL लोड है और कैपेसिटर C, वो क्या करेंगे, सीरीज, मतलब वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं और सीरीज जो करंट है उसको लोड फ्लो करेंगे। लोड करंट दी हुई डायरेक्शन के अनुसार फ्लो करती है। अब हमारी क्या, जो लोड करंट है उसमें जो डायरेक्शन दी होती है उसके अनुसार फ्लो करती है तथा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दिए गए साइन वेव के अनुसार डेवलप्ड होते हैं। जैसा कि आवश्यक है कि R तथा L कंपोनेंट अनडैम्पिंग कंडीशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब जो हमारे R और L कम्यूटेड, ये जो कंपोनेंट है, ये किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, अनडैम्पिंग कंडीशन के लिए। अतः लोड करंट प्रारंभ में पीक वैल्यू पर होती है, और जो हमारी लोड करंट होती है वो प्रारंभ में, मतलब जो स्टार्टिंग में हमारी किस पर पहुंच जाती है, पीक पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही यह करंट होल्डिंग करंट से कम होती है, अब हमारी होल्डिंग करंट क्या होती है, होल्डिंग करंट वो होती है जिस पर हमारा जो वो SCR है ऑन होता है, जिस करंट पर हमारा ऑन होगा वो होगी हमारी होल्डिंग करंट। अगर हमारी उससे कम करंट हो जाती है तो SCR T1 टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जिस करंट पर हमारा SCR ऑपरेट हो रहा है, जब उसी से हमारी करंट कम हो जाएगी तो वो SCR ऑफ हो जाता है। आउटपुट करंट सेकेंड हाफ साइकिल पर प्राप्त होती है, और आउटपुट किस पर प्राप्त होती है, सेकेंड हाफ साइकिल पर। तभी T2 ऑन कर दिया जाता है, और उसी समय, मतलब थोड़ा सा बहुत मिनिमम टाइम होता है उसमें क्या होता है, और हमारा T2 ऑपरेट हो जाता है। कैपेसिटर जो कि दी हुई पोलरिटी के अनुसार चार्ज होता है, अब वो जो हमारा चार्ज हो गया था कैपेसिटर, वो क्या करता है, T2 को ऑपरेट करता है। सेकंड हाफ साइकिल के शॉर्ट होने, मतलब जो सेकंड हाफ साइकिल है उसके शॉर्ट होने पर विपरीत डायरेक्शन में डिस्चार्ज होता है। अब वो क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे लोड के थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। अब करंट हमारी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। तत्पश्चात नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद जीरो लेवल पर डिक्रीज होती है। अब क्या होती है हमारी, ये जो करंट है तत्पश्चात तुरंत, मतलब नेगेटिव जो मैक्सिमम वैल्यू है जीरो लेवल पर पहुंच जाती है और डिक्रीज होने लगती है। अब कैपेसिटर वोल्टेज RLC के मान के अनुसार सेकेंड हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होता है। RLC के मान के अनुसार क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है थायरिस्टर T2। अतः जैसे ही T2 SCR को थ्रो करंट का मान होल्डिंग करंट से कम होता है, अब इसका भी हमारा होल्डिंग करंट से जैसे ही मान कम होगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, मतलब SCR T2 टर्न ऑफ हो जाता है। टर्न ऑफ क्या होता है, मतलब कि जो हमारा जिस SCR जिस टाइम पर हमारा ऑफ हो रहा है वो होता है हमारा टर्न ऑफ टाइम। तो टर्न ऑफ होगा, उसके पश्चात SCR T1 ऑन होता है, मतलब ये क्रिया हमारी चलती रहती है। फिर SCR T1, यह T1 ऑपरेट हो जाएगा, यही प्रोसेस लगातार रिपीट होती रहती है। और क्या होता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग AC प्राप्त होती है, और हमारी क्या होती है, AC करंट प्राप्त होती है। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा सीरीज इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पैरेलल इन्वर्टर क्या होता है और इसकी किस प्रकार वर्किंग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।